हेलो एवरीवन, मैं हूँ राकेश। स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, एक चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले हैं आज कि जब भी हम ब्रिक वर्क स्टार्ट करते हैं, ओके, जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिंटल जो है वो प्रीकास्ट करके रख लेते हैं, यानी इसका कास्टिंग करके रख लेते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है लिंटल ऑलरेडी जो है प्रीकास्ट किया हुआ है। ओके, ये क्यों करते हैं और ये करना क्यों ज़रूरी होता है, और जब हम प्रीकास्ट करेंगे तो इसका थिकनेस कितना रखना है, इसमें कितना एम का सरिया प्रोवाइड करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं इस लिंटल की बात करता हूँ, क्योंकि लिंटल देखिए सात दिन 10 दिन पहले आप लोगों को कास्टिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? इसको कास्टिंग करने के 7 दिन तक कंटिन्यू हम लोगों को क्या क्यूरिंग करना पड़ता है। ओके, ताकि इसका स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर गेन कर सके। ओके, उसके बाद ही हम इसको जो है यूज करने के लिए ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि तुरंत हम कास्टिंग करेंगे, तुरंत इसको यूज करेंगे, तो फिर ये समझो कि यूज के लायक है ही नहीं, वो कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। ओके, इसलिए कम से कम जो है इसको कास्टिंग करने के 7 दिन के बाद ही आपको यूज करना है और इसको प्रॉपर क्यूरिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले जो हमारा लिंटल होगा, लिंटल जो है हमारा जो डोर होगा या फिर जो हमारा विंडो होगा उसके लेंथ के हिसाब से हम लोग को रखना है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिंटल प्रीकास्ट किया गया है जो हमारा जिस साइड पे अभी मैं हूँ, ओके, उसका जो डोर है विंडो है उसके हिसाब से उसका लेंथ जो है रखा गया और उसके हिसाब से प्रीकास्ट किया गया। ओके, इसका टेक्निकल रीजन हम समझने वाले हैं कि जब भी हम लिंटल प्रीकास्ट करेंगे तो उसका थिकनेस जो है कम से कम आपको 3 इंच रखना है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कम से कम इसका जो थिकनेस है वो आपको 3 इंच रखना है। ओके, और मिनिमम इसके अंदर जो है 4 सरिया प्रोवाइड करना है, कितना का, 16 mm का। ओके, तभी जो है ये लिंटल जो है मजबूत होगा, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा लिंटल का हाइट जो है वो 2 मीटर है या 2100 है, उसके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर जो है ब्रिक्स आएगा। ओके, अगर हम इसका थिकनेस कम कर देंगे या फिर सरिया हम इसमें कम डाया का डालेंगे तो क्या हो सकता है कि ये जो है लोड कंटेंट नहीं करेगा और ये कोलैप्स कर जाएगा। ओके, इसकी प्रॉपर मजबूती के लिए जो है प्रॉपर ध्यान में रख करके इसको प्रीकास्ट करना है। ओके, तो कम से कम जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 16 mm का जो सरिया है वो प्रोवाइड करना है, कम से कम कितना 4 सरिया इसके अंदर डालना है। ओके, 4 सरिया डालने के बाद ही इसको आप इसको जो है अच्छे से कास्टिंग करना है। ओके, क्लियर। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो हमारा अभी जो एक्सटर्नल वॉल है उसका थिकनेस जो है वो 230 mm का है, यानी 9 इंच का दीवाल है। ओके, जो हमारा बाहरी दीवाल है वो कितना है, 9 इंच का है। ओके, तो 9 इंच जो हमने इसका विड्थ रखा है और इसका लेंथ जो है जितना हमारा डोर का या फिर जो हमारा विंडो का साइज है जितना लेंथ है उससे दोनों साइड मैंने 1-1 फीट बढ़ा करके मैं ज़्यादा करके रखा हूँ, ताकि जो हमारा ब्रिक्स का जो लेवल होगा वो उधर से जो है 1 फीट एक्स्ट्रा दोनों साइड रहेगा, ताकि आसानी से जो हमारा लिंटल है उसके ऊपर होल्ड कर सके। ओके, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा लिंटल है। ओके, ये लिंटल का लेंथ जो है मान लीजिए कि 1 मीटर है, यानी 1000 है, 1000 mm है, लेकिन क्या करना है हमको, 1000 कास्टिंग नहीं करना है, 1000 से कम 1 फीट दोनों साइड 1 फीट बढ़ाना है, यानी 1 फीट उधर बढ़ जाएगा, 1 फीट इधर बढ़ जाएगा। ओके, ताकि जो हमारा दीवार आएगा उस दीवार पे आसानी से ये रेस्ट कर सके। ओके, तो हमको कितना लेंथ लेना पड़ेगा, 1600 mm लेना पड़ेगा। ओके, अगर 1 मीटर का हमारा विंडो का लेंथ है तो इसको हमें कितना रखना पड़ेगा, 1600 mm रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद दूसरा जो है हमारा वो 4 इंचेस का है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमारा लिंटल है ये 4 इंचेस का है, ये वाला लिंटल जो है 4 इंचेस का है। ओके, ये जो है हमारा इंटरनल जहाँ जहाँ पे हमारा डोर आ रहा है उस डोर के ऊपर जो हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, डोर का जितना हमारा विड्थ होगा उसके हिसाब से इसको प्रीकास्ट करना है, लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जितना हमारा डोर का जो विड्थ होगा उससे दोनों साइड जो है 1-1 फीट बढ़ा करके इसको कास्टिंग करना है, ताकि ये ब्रिक्स भी आसानी से होल्ड कर सके। ओके, इसमें भी क्या करना है, कम से कम जो है 16 mm का 2 सरिया 3 सरिया आपको प्रोवाइड करना है, और इसका जो थिकनेस कम से कम आपको 4 इंच मेंटेन करना है। ओके, अगर नहीं है तो कम से कम 3 इंच तक आप रखना ही चाहिए, 3 इंच से आप थिकनेस का कम नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर 3 इंच से कम कीजिएगा इसके ऊपर क्या होगा, लोड आएगा, यानी ब्रिक्स डालेंगे तो ये कॉन्टेंट नहीं करेगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी आप लिंटल प्रीकास्ट करते हैं, चाहे वो हमारा डोर के लिए हो चाहे हमारा वो विंडो के लिए हो, तो उसमें जो है आपको कम से कम 16 mm का सरिया प्रोवाइड करना है। ओके, दूसरा चीज़ जो हमारा विड्थ दिया हुआ है, चाहे हमारा वो विंडो का हो चाहे हमारा डोर का हो, वो क्या करना, जितना हमारा ड्रॉइंग में दिया हुआ है उससे 600 mm यानी 2 फीट बढ़ा करके कास्टिंग करनी है। ओके,
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।